बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, बायोएनर्जेटिक्स। और बायोएनर्जेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच इज़ आल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आल्सो नोन एज जी स्कीम एंड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटो उसकी हमने प्रोडक्ट देखी कि लाइट रिएक्शन जो है उसके अंदर दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक NADPH और एक ATP। NADPH और ATP जो है ये आगे जाके यूज़ होनी है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन विच इज़ आल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो ये फोटोसिंथेसिस का वो वाला पार्ट है जो डायरेक्टली सूरज से एनर्जी नहीं लेता, और ये रोशनी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों सूरतों में हो सकता है। एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ लाइट इस पर अफेक्ट नहीं करती, इस वजह से इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाता। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे वकूअ पज़ीर होता है, कहाँ पे होता है, और उसके बाद इसमें क्या क्या बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात इसकी साइट ऑफ अक्रस जो है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? लिक्विड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था मेलवन केल्विन ने और इसके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और फिर 1961 में उनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया इसको डिस्कवर करने के सिलसिले में, और इस हवाले से इसे नाम हम लोग केल्विन साइकिल भी देते हैं। इसके बेसिकली तीन मेजर फेजेज हैं। सबसे पहले फेज़ को हम लोग कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, दूसरे फेज़ को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और तीसरे फेज़ को हम लोग रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर कहते हैं। इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ये बुक वाली ही डायग्राम है और इसी की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखें कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये स्ट्रोमा में ही वकूअ पज़ीर होता है। तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोलोज बिस फॉस्फेट। ये राइबोलोज बिस फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी स्ट्रोमा में एग्जिस्ट करता है, और ये कितने कार्बन होता है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसके दोनों कार्बन के दोनों टर्मिनल्स जो हैं कार्बन मॉलिक्यूल के, इसके दोनों टर्मिनल पे फॉस्फेट अटैच है। अब ये इस वजह से ये बिसफॉस्फेट है, और इसके तीन मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में RUBP भी बोला जाता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब फर्दर क्या है, इन्वायरमेंट से ली जाती है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के भी तीन मालिक्यूल आ जाते हैं, तो तीन मालिक्यूल आए कार्बन डाइऑक्साइड के, हर मालिक्यूल में एक कार्बन थी, और तीन मालिक्यूल आए राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, और हर मालिक्यूल में 5 कार्बन थे। तो इनके अटैच होने से राइबोलोज बिसफॉस्फेट के हर एक मालिक्यूल में एक एक कार्बन एटम का इजाफा हो जाता है, और एक एक कार्बन एटम जो है वो बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बिसफॉस्फेट में जो कैटलाइज करवाता है रिएक्शन, जो एंजाइम यूज़ होता है इसमें कैटलाइज करवाने में, उसे हम लोग कहते हैं रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सीलेज भी है और ऑक्सीडेज भी है। ये एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करवा सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी करवा सकता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो रुबिस्को प्रोटीन है। रुबिस्को है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन द कैटलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब ये मिलता है, इंटरमीडिएट्स बनते हैं बहुत सारे, और अल्टीमेटली इसके रिएक्शन से 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, किसके, फॉस्फो ग्लिसरेट के, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं 6। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बनते हैं 18, 18, और 18 ही कार्बन एटम जो है वो इन्वॉल्व हुए थे इस रिएक्शन में, जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड में से आए थे और 5 जो थे वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज के एक मॉलिक्यूल से आए थे। तो टोटल 15
कार्बन के एटम आए थे राइबोलोज बेस फास्फेट से, और तीन कार्बन एटम आए थे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे तीन छः मालिक्यूल बन गए हैं, थ्री फास्फोग्लिसरेट के, थ्री फास्फोग्लिसरेट जो है एक थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये एक इसके हर कार्बन के साथ, इसमें कार्बन नंबर थ्री के साथ एक फास्फेट अटैच है, इस वजह से इसे नाम दिया गया थ्री फास्फोग्लिसरेट का। अच्छा जी, थ्री फास्फोग्लिसरेट के बाद अब थ्री फास्फोग्लिसरेट जो है इसमें एडिशन होगा फास्फेट का, फास्फोराइलेशन होगी इस एरिया में। फास्फोराइलेशन कैसे होगी कि 6 ATP, सॉरी 6 ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे, 6 ATP के मॉलिक्यूल्स, और अपना अपना हर एक ATP का मॉलिक्यूल एक थ्री फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल को अपना फास्फेट देगा। तो टोटल 6 ATP के मॉलिक्यूल 6 फास्फेट ऐड करेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ थ्री फास्फोग्लिसरेट में, और ADP की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। अब जितने ही 6 के 6 वो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो कन्वर्ट हो गए हैं 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट में, 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट में। कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी एक फास्फेट आ गई है हर मॉलिक्यूल के, और कार्बन नंबर 3 पे भी आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6 हैं। अब ये जो 6 नंबर ऑफ 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट है इसकी आगे होगी रिडक्शन। रिडक्शन किस तरह से होगी, रिडक्शन करेगा कौन, NADPH। 6 मॉलिक्यूल NADPH के आएंगे, और अपने जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक मॉलिक्यूल जो है 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट का इसको देंगे, और NADP लहदा निकल जाएगा और फास्फेट जो है यहाँ से सेपरेट होके अलहदा रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट की होगी रिडक्शन। रिडक्शन किसने की है, NADPH ने, और इसकी खुद क्या हो गई, NADPH की ऑक्सीडेशन हो गई है। ये मेजर पोर्शन था इसका। 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट जो है ये बहुत सारे इंटरमीडिएट्स में से होता हुआ अगला जो इंटरमीडिएट बनाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। 6 मॉलिक्यूल जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हैं ये कैसे बने हैं, बाई द रिडक्शन ऑफ 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट। 6 मॉलिक्यूल 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट के इनके रिडक्शन की है 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH ने। तो ये 6 मॉलिक्यूल बने हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टम में से आउट हो जाएगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल सिस्टम में से आउट हो गया, इसको आपने माइंड में रखना है। अब टोटल कितने थे, 6, 6 में से एक आउट हो गया, बाकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने मॉलिक्यूल बचे, 5। ये आ गए 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, और ये दोबारा से जो 5 मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, ये इन्हें 3 मॉलिक्यूल ये जो हैं ये कन्वर्ट होंगे, 5 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरेट के कन्वर्ट होंगे 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज फास्फेट में, राइबोलोज फास्फेट में। और जो 5 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरेट के थे उनसे बनेंगे 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज फास्फेट के, और राइबोलोज फास्फेट जो है उसमें फिर ऐड होंगे 3 मॉलिक्यूल जो बनेंगे राइबोलोज फास्फेट के, उनको कैटालाइज किया जाएगा। उनको कैटालाइज कौन करेगा, उनको कैटालाइज करेगी ATP। ATP जो है वो अपने फास्फेट देगी और ATP की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, और ATP की फॉर्म में जब वो रिलीज़ होगी तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा बन चुके होंगे किसके, राइबोलोज बिस फास्फेट के, जो कि दोबारा अगला एक साइकिल जो है उसको रन करेंगे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स जो है उनको दोबारा से फिक्स किया जाएगा। उनको जब दोबारा से फिक्स किया जाएगा तो दोबारा से फिक्स जब वो उन्हें किया जाएगा तो उससे फिर क्या होगा जी, उससे एक और साइकिल चलेगा और एक और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। जब दो दफ़ा कैल्वन साइकिल चलेगा और 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है उसके रिलीज होंगे, तो उन दोनों को मिला के उन दोनों से फिर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल
बना दिया जाएगा। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। और ये जो हमने साइकिल पढ़ा है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का साइकिल है। इसके होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों सूरतों में ये रिएक्शन जो है वो हो सकता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझने हैं।